सरप्राइज। तुम तो कल आने वाले थे। हाँ तो प्री एनिवर्सरी नाइट भी तो सेलिब्रेट करनी थी। तुम्हें याद था? याद है ना परसों क्या है? क्या भाई? यार तेरी और मेरा की सेकंड एनिवर्सरी है। गिफ्ट लेने जा रहा हूँ भाई। कैसा गिफ्ट? गिफ्ट कैसा होता है? सॉफ्ट टॉय, इयररिंग, पेन सेट, ऐसा कुछ भी। कुछ भी? कुछ भी? अरे ठीक है, मेरे को एक बात बताओ कि उसने तेरे को क्या गिफ्ट दिया था? उसने मुझे ये फिटनेस ट्रैकर दिया था। नाइस, महंगी लग रही है। तूने उसे क्या गिफ्ट दिया था? मैंने भाई उसे एक बहुत ही खूबसूरत पोएम लिख के दी थी। तुझे मैंने कितनी बार बताया है कि तेरी पोएट्री ना खूबसूरत होती है और गिफ्ट तो वो हो ही नहीं सकती। आई एम सरप्राइज यार कि उसने तेरे साथ ब्रेकअप क्यों नहीं किया अभी तक। और तेरे पे ना कर्ज है भाई। ये रिलेशनशिप ना बड़ी बैलेंस वाली चीज होती है भाई। इसमें उसने तुझे कुछ दिया, तूने उसे कुछ दिया, ये बैलेंस बनाना पड़ता है। उसने तुझे दिया लेकिन तूने उसे कुछ नहीं दिया, तो तू अभी कर्जे में, जो उसे देना पड़ेगा। सर तेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं, मुझे ज्ञान बांट रहा है। कौन सी वाहियात किताबों से सीख के आता है बातें? एक्सक्यूज मी, मैं किताबें ताबें नहीं पढ़ता, एक्सपीरियंस है मुझे। और मैं रॉम कॉम मूवीज देखता रहता हूँ। वाह, और ये लड़की लोग बहुत थॉटफुल होती हैं यार। इनका बेस्ट तो समुंदर से जाके मोती निकाल के गिफ्ट कर दें और हम लोग रेत भी ना दे पाए। और ये लड़कियों को गिफ्ट देने का तरीका ना सिंपल, थॉटफुल, एलिगेंट। यार अब मुझे डर लग रहा है, तो उसने डेफिनेटली कुछ बड़ा प्लान किया होगा। मैं क्या करूँ यार? कोई डरने की जरूरत नहीं है यार, बस एक चीज ध्यान रखें, जो भी वो तुम्हें गिफ्ट देगी तुम्हारा गिफ्ट उस गिफ्ट के बराबर होना चाहिए, समझा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिस से जल्दी छूट गए? हाँ थोड़ा जल्दी छूट गया। सुन सुन, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुन, तुझे अपने घर में पोटेंशियल गिफ्ट्स ढूंढने हैं जो मेघा तेरे लिए लाए। ठीक है। क्या हुआ, ऐसे खोए खोए क्यों? थोड़ी भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने में? भूख तो मुझे भी लगी है। अभी ले आ। कुछ मिला क्या? अभी तक तो नहीं। यार ये टाइपराइटर पहले नहीं देखा। यार मैंने मेघा को हैंड रिटन पोएट्री देके इंप्रेस किया था, उसे मेरी पोएट्री इतनी अच्छी लगती है कि वो मुझे टाइपराइटर गिफ्ट कर रही है। पोएम्स पसंद है? अखिल सुन, अगर उसे ना तेरी पोएम्स पसंद आई है ना तो उसे कभी छोड़ना मत, शी इज वन इन मिलियन यार। वैसे कितने का है टाइपराइटर? विंटेज लगता है, 5-10 हज़ार रुपए का तो होगा। किससे बात कर रहे हो? मैं? हाँ। किसी से नहीं? ये तुम्हारे लिए वेजी नूडल्स, इसमें शेजवान चटनी और स्प्रिंग अनियंस भी है। वाओ माय फेवरेट। साले झूठे, अबे यू हेट नूडल्स। शट अप। व्हाट? मैं वो स्पाइसी, स्पाइसी है थोड़ा सा, इट्स वेरी टेस्टी बट स्पाइसी। मैं पानी लाती हूँ। थैंक यू। देख देख देख, और कुछ दिखा क्या? अभी तक तो नहीं। अबे हारमोनियम, मैं पोएट हूँ यार, सिंगर नहीं हूँ। हारमोनियम मैंने तो क्या, मेरे अपा ने नहीं बजाया कभी। हारमोनियम कितने का होगा? यार ये भी महंगा तो होगा। तुम किससे बात कर रहे हो? मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। झूठ मत बोलो अखिल, तुम किसी से बात कर रहे हो? नहीं, किसी से बात नहीं। तो ये क्यों लगा रखा है? ये वो बॉस का कॉल आ जाता है ना कभी भी, इसीलिए। हारमोनियम पहले नहीं देखा, नया लिया। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू की है, इसलिए ये रेंट पे लिया है। अच्छा, और वो टाइपराइटर? वो तो लैंडलॉर्ड का है, वो लेके जाने वाला है। अरे उनके कोई चाचा है जो क्राइम नॉवेलिस्ट है, उनको गिफ्ट देने वाला है। ये बात पहले ही समझ गया था, कोई समझदार आदमी तुझे टाइपराइटर दे ही नहीं सकता। तो चुप रहे यार। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। अखिल व्हाट्स रॉन्ग? तुम किसी से बात कर रहे हो ना? नहीं मैं बात नहीं कर रहा। हेलो, हिंदी के लिए एक दबाए।
अगर योगा करना चाहते हैं ऑनलाइन तो दो दबाएं। क्या ये किससे बात कर रहे हो तुम? प्लीज एक्सप्लेन। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम चलो मेरे साथ बैठो प्लीज। यार मेघा, मैं ना तुम्हें एक अच्छा सा एनिवर्सरी गिफ्ट देना चाहता था। तो क्या हुआ? तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तुमने क्या प्लान किया। याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे प्यारा सा फिटनेस ट्रैकर दिया था? तुम्हें मिस करता हूँ ना, तो कैलोरीज बर्न हो जाती हैं वो भी बताता ही। ये देखो फिर से बता रहा है माय हार्ट रेट हैज इंक्रीज्ड, सब बताता है यार ये। इट्स सच अ थॉटफुल गिफ्ट और मेरे दिमाग में ना कुछ भी नहीं आता। मैं कुछ भी, इट्स फाइन, इट्स ओके यार, गिफ्ट्स एंड ऑल आर जस्ट फॉर्मेलिटीज एंड एज लॉन्ग एज हमारे स्पेशल डे पे हम लोग साथ में हैं तो गिफ्ट की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। अच्छा गिफ्ट वगैरह सब रहने दो, जस्ट स्पेंड द डे विद मी प्लीज। Spend the day with me. अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें हंसने वाली बात यह है कि she wants you to try harder. उसने तेरे को कोई गिफ्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो देखना चाहती थी कि तू क्या गिफ्ट देना चाहता है। जी नहीं, गलत कह रहा है तू। अच्छा, वैसी लड़की नहीं है यार वो। और तू क्या दे रहा है मुझे रिलेशनशिप एडवाइस? खुद ने तो एक गर्लफ्रेंड बनाई नहीं अभी तक, क्या दे रहा है मुझे? देख भाई एनिवर्सरी है, जल्दी घर जाऊंगा, कैंडल लाइट डिनर करेंगे और फिर ये देखिए आप सर, एंजॉयिंग पार्टी विद फ्रेंड्स। और ये तो मेघा जैसी लग रही है। स्पेंड द डे विद मी।